वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिखों के लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर निकल कर सामने आई है। यह दुख भरी खबर नानकमता गुरुद्वारा साहिब से आई है। यूपी के अंदर गुरुद्वारा नानकमता साहिब है। गुरुद्वारा नानकमता साहिब में आज सुबह डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर क्षेत्र के अंदर तनाव का माहौल है। वहाँ के एस पी मंजूना टीसी समेत पुलिस के तमाम बड़े अफसर मौके के ऊपर पहुँच गए। मुख्यमंत्री के पहुँचने की भी संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बताते हैं कि बाबा सेम सिंह जी आज सुबह करीब 6:30 बजे रोज की तरह ही गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद लंगर हाल के बाहर बैठे थे। इसी बीच बाइक पर दो पकड़ीधारी आए और बाबा को गोली मारकर भाग निकले। बाबा के दो गोली पेट और गर्दन के ऊपर लगी। खटीमा ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्तिक अस्पताल में उनकी मौत की डॉक्टर ने पुष्टि की है। इस घटना से क्षेत्र के अंदर तनाव का माहौल फैल गया है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंच गई। गोली मारने वालों की तलाश की जा रही है लेकिन उनका अभी कोई सुराग नहीं लग सका है। सूत्र बताते हैं कि कई विवाद पुलिस को पता लगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। बताते हैं कि बाबा तरसेम सिंह जी 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान माल का खतरा भी बता रहे थे कि उनको गुंडों की तरफ से उनको जान से मारने की चेतावनी दी जा रही है। जिस प्रकार से दोस्तों गुरुद्वारा नानकमता साहिब के अंदर यह दुर्घटना घटी है, जिस प्रकार से वहां पर कार सेवा वाले बाबा जी को दिन दिहाड़े सुबह सुबह दो बाइक सवारों के द्वारा गोली मारकर मार दिया जाता है, यह देश के अंदर कानून और व्यवस्था के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से कल हमने देखा कि पुंछ के गुरुद्वारे के बाहर एक धमाका हुआ था, जिसके बाद हमने यही खबर साझी की थी कि कहीं ना कहीं देश के अंदर यह चीज़ें दुखद हो रही हैं, दुखद खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर के अंदर भी गोली चलने की बात हुई थी लेकिन वह एक हादसा था। लेकिन आज सुबह सुबह फिर से एक बुरी खबर निकल कर सामने आ गई, जो गुरुद्वारा नानकमता साहिब से। गुरुद्वारा नानकमता साहिब के अंदर जिस प्रकार से कार सेवा वाले बाबा जी को गोली मारी गई, यह बड़ी दुखद खबर है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे ऐसी ही किसी और नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।